गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टूडेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे एंड मैथ्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है टेबल। आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? टेबल। हमने 2 से 5 तक टेबल तो कल लर्न की है ना? आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है आपका? मैम ने टेबल लर्न करवाई थी आपको और राइट डाउन भी करवाई है नोटबुक में आपने किया। ये होने के बाद फिर आज आप करेंगे 6 की टेबल। आज हम न्यू टेबल स्टार्ट कर रहे हैं 6 की, जो कि आपको अब ये लर्न करनी है। ओके, कॉपी में राइट डाउन भी करनी है, आपकी जो नोटबुक है इसी में ये वर्क कंप्लीट करना है आपको और साथ में इसे लर्न करनी है। ठीक है, ये मैम आपको लर्न करवाएंगे आज टेबल ऑफ 6। 6 की टेबल आपके 10th तक टेबल है ना HKG क्लास में, तो हमको 10th तक टेबल लर्न करनी है। सो मैम आज 6 की लर्न करवा रहे हैं। ओके, सो 6 की टेबल लर्न करेंगे हम। यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली टेबल करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6, ऐसे करनी है इस टेबल को। ठीक है, और ये टेबल हम करेंगे 2 टाइम। अगेन यहाँ पे भी आप 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6, यहाँ पर भी आपको 6 की टेबल 2 टाइम 6 की टेबल राइट डाउन करनी है। ओके, सो अब हम राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखिए मैम ने 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा 42, 6 मल्टीप्लाई 8, 6 8 जा 48, 6 मल्टीप्लाई 9, 6 9 जा 54, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। स्टूडेंट देखिए मैम इसको बोल के बताएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60 हो गया है। इसको आप रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन जब जाकर आपको लर्न होगी स्टूडेंट ये, एंड इसको राइट डाउन करनी है आपको नीड एंड क्लीन राइटिंग में। मल्टीप्लाई से ही राइट डाउन करनी है ये, ठीक है, वरना फिर आपको ऐसे राइट डाउन करोगे तो लर्न नहीं होगी, इसलिए मल्टीप्लाई वाली टेबल लर्न राइट डाउन करनी है आपको। ठीक है, यहाँ राइट डाउन करने के बाद अगेन आपको इस साइड भी राइट डाउन करनी है 6 की टेबल। 2 टाइम राइट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं कि मैम ने वन साइड राइट डाउन की तो आप भी वन साइड ही, आपको सेम ये वाली टेबल इधर भी राइट डाउन करनी है। अगर आप जितनी बार राइट डाउन करोगे उतने ही अच्छे से लर्न होगा ना आपको, और लिखना भी आएगी आपको टेबल, इसीलिए आप बार बार इसको राइट डाउन करेंगे। जैसे आपने आपकी स्कूल वाली नोटबुक में ये वर्क कर लिया, फिर आप है ना लर्न करने के लिए आपके जो घर की नोटबुक है ना, जो रफ नोटबुक, उसमें भी आपको वर्क करना, इसमें भी आपको ये लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आपको और अच्छे से ये करना आएगा। जो सबसे ज्यादा राइट डाउन करेगा ना उसको सबसे पहले लर्न होगी ये। ओके, सो आपको ये टेबल करनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपकी नोटबुक में। अब ये टेबल ये बच्चा आपको रीडिंग लगाकर सुनाएगा। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा टू।
ओके स्टूडेंट, जैसे इसने सुनाई है वैसे ही आपको सिक्स की टेबल सुनानी है, ओके। और अच्छे से सुनानी है, ऐसा नहीं है कि आप सिक्स सिक्स या 36 बोल रहे, फिर सिक्स सिक्स या 42 बोल रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से सही वॉइस में सुनानी है ये। और पहले तो आप अच्छे से लर्न करेंगे, 2 डेज तक लर्न करना है आपको। 2 डेज में आपको ये लर्न हो जानी चाहिए। मैम आज भी आपको यही करा रहे हैं और मैम कल भी आपको यही कराएंगी, ओके। इसीलिए आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। हमने पहले भी हर टेबल को 2 2 टाइम लर्न की है, 2 डेज तक राइट डाउन करवाई है। मैम आज भी आपको सिक्स की टेबल करवा रहे हैं राइट डाउन, और जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें भी आप सिक्स की टेबल ही राइट डाउन करेंगे, ताकि आपको लर्न हो ये राइट डाउन करना आए कि कैसे राइट डाउन करनी है। मल्टीप्लाई करके ही राइट डाउन करेंगे आप, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।